दादाजी, हेलो हेलो, सम्मानित श्री नूर मोहम्मद जी और आदरणीय दादाजी, आप भी गीत को सुनिएगा। पुरानी तर्ज है लेकिन जानी पहचानी है, और कथानक बिल्कुल जाना पहचाना है, बस भाव है उस गीत में बस। आदरणीय ब्रजेंद्र भैया, आपके बिल्कुल मन और भाव को देखते हुए मैं कार्यक्रम आगे बढ़ा रहा हूं, चूंकि आपका टेस्ट जो है मैं उसी को लेकर के चल रहा हूं। अरे कि दिल में तो ये हसरत है, क्या बात है, दादाजी, बड़े भाई साहब, मैं देख रहा हूँ शाम से आप बैठे हैं एक जगह पे, सुनिएगा, अच्छा लग रहा है आप लोग बैठे हैं। दिल में तो ये हसरत है, तुझे दिल में बिठाऊं, नजरों से गिर गया हूँ, नजर कैसे नजर कैसे मिलाऊं, बदनाम हूं नाकाम हूं, क्या मुझ में रखा है, ऐ दिल के सहारे तुझे दिल ढूंढ रहा है, तुझे दिल ढूंढ रहा है, तुझे दिल ढूंढ रहा है। तू कौन सी दुनिया में छुपा है, दिल तोड़ने वाले तुझे दिल ढूंढ रहा है, तुझे दिल ढूंढ रहा है, तुझे दिल ढूंढ रहा है, तुझे दिल ढूंढ रहा है। बड़े भैया, दीपेश भैया, निवेदन कर रहा हूँ, प्रयास इसलिए आपका ध्यान चाहता हूँ कि आपका छोटा भाई हूँ, कुछ अच्छा लग जाए तो बस आशीर्वाद चाहता हूँ। भगवान श्री राम बन चले गए, भरत जी ननिहाल से वापस आए, माता कैकेयी से भेंट हुई, माता कैकेयी से भेंट हुई। जब भरत ने पूछा कि माँ, आखिर अयोध्या का ये हाल कैसा हो गया, ये चहचहाती हुई चिड़िया, ये जो पूरा अयोध्या, पूरी अयोध्या सजी थी, आज ये वीरान से क्यों दिख रही है। तो कैकेयी ने भरत से कहा कि भरत, अरे चले गए मन रघुबर, कैकेयी हर साई पास बुला के भरत लाल को कुछ ऐसी बात सुनाई। सुनी बात जब सिंहासन की,
कैकेयी ने कहा, पुत्र अयोध्या का सिंहासन तुम्हारे लिए मैंने खाली और सुरक्षित करवा दिया है। सुनी बात जब सिंहासन की, भरत लाल चकराए, मन ही मन में कर लिया विचार, अरे मैया को समझाए। कहा माँ, माँ आज ये आखिरी दिन, आखिरी वक्त, आज के बाद ये तेरा बेटा भरत तुझको कभी माँ नहीं कहेगा। क्या बात है। भरत ने कहा, माता कैकेयी सुना ये भवन सारा, राजेश भाई सुना ये भवन सारा, सुनिए अटरिया, इस सुने पन को देख के छलके है गगरिया, छलके है गगरिया। तो माँ, माँ अनिरीति हुई रीति का आधार कहाँ है, मेरी मैया बता दे, मेरा परिवार कहाँ है, परिवार कहाँ है, मेरा परिवार कहाँ है, मेरा परिवार कहाँ है, मेरा परिवार कहाँ है, मेरा परिवार कहाँ है। ये चूंकि महागुरुओं की श्रद्धांजलि का कार्यक्रम चल रहा है कीर्तन कला मंच राय बरेली से, तो परम श्रद्धेय महागुरु हमारे बाबा जी सम्मानी गुरुवर स्वर्गीय श्याम तुफानी दादा जी, उनकी रचना मैं पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। उनकी चरणों की धूल भी नहीं हूँ, बस प्रयास कर रहा हूँ कि उनकी पंक्ति को कुछ मैं आप तक पहुँचा पाऊँ। और ये हमारे परम सम्मानी बड़े भैया, हमारे गुरु भाई, हमारे बड़े भाई सम्मानी श्री दीपेश पांडे अंबर जी, आप सभी से आप सभी परिचित हैं रचनाकारिता में, और पेशे से शिक्षक भी हैं आप। मैं सादर चरण स्पर्श कर रहा हूं बड़े भैया को, आशीर्वाद की कामना करता हूं। गीत को सुनिएगा। अनरीति हुई प्रीति का आधार कहाँ है, मेरी मैया बता दे, मेरा परिवार कहाँ है, 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 मेरा परिवार कहाँ है। ये बेहतरीन साउंड सर्विस के प्रोपराइटर हमारे बड़े भैया श्री राजेश साहू जी, और जहां जहां भी चाहे कोई भी कीर्तन कलाकार हो, अगर उसका कार्यक्रम हो रहा है इस जिले में रायबरेली उन्नाव में लखनऊ में, तो एक बारी जरूर पूछता है कि साउंड सर्विस राजेश भाई की ही लगवाइए। जोरदार तालियां हमारे राजेश भैया के लिए होनी चाहिए। धन्यवाद भैया। कहा एक भाव है, बस एक प्रसंग है, एक भाव है। कहा भरत ने कि मैया कि पहले मुश्किल था, सबसे ज्यादा प्रेम श्री राम से कोई करता था तो माता कैकेयी करती थी। पहले तो तेरा मुश्किल बिना राम के जीना, क्यों खुद ही गवाया है रघुकुल का नगीना, रघुकुल का नगीना। और ये परम सम्मानी हमारे गुरु तुल्य परम सम्मानी आदरणीय दादा सम्मानी श्री महेंद्र पांडे जी, झिंगुर कुंडा प्रतापगढ़,
आपकी तरफ से सुंदर सा पुष्पहार 101 पत्र मुद्राएं सादर चरण स्पर्श कर रहा हूं और आपके आगमन से हमारा हम बच्चों का उत्साह वर्धन हुआ है। सादर प्रणाम नमन वंदन, जोरदार तालियां होनी चाहिए, सादर चरण स्पर्श है। कहा मैया पहले तो तेरा मुश्किल बिना राम के जीना क्यों खुद ही गवाया है रघुकुल का नगीना रघुकुल का नगीना। तो रहे सुशील भैया निवेदन कर रहा हूं, रहते हुए उनके मेरा अधिकार कहाँ है। बड़ा भाई छोटा भाई बड़े भाई की जेब में अधिकार बस हाथ डाल देता है और बड़ा भाई भले मना करे कि भैया ये गलत आदत है लेकिन वो खुश होता है कि मेरा भाई आज मैं उस लायक तो हूँ कि मेरा भाई मेरी जेब में हाथ डाल रहा है। तो भाई भरत जी कह रहे हैं और एक बारी लिख के दे दीजिएगा थोड़ा सा हमको। हाँ इसमें मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूं, एक बारी थोड़ा सा लिखा। रहते हुए उनके मेरा अधिकार कहाँ है मेरी मैया बता दे मेरा परिवार है सम्मानी दादा हमारे सम्मानी श्री सुनील श्रीवास्तव जी, आदरणीय दादा श्री सुनील श्रीवास्तव जी नव चेतना समिति के महामंत्री हैं मधुकरपुर। ये 51 बहुमूल्य पत्र मुद्राएं, 51 तो ठीक है, आप उपस्थित हैं ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। सादर नमन वंदन कर रहा हूं आशीर्वाद के काम। ये क्या बात है, हमारे छोटे भाई सम्मानी श्री प्यारे लाल अनुरागी जी खरेला महोबा से पधारे हैं, बहुत ही अच्छे कलाकार है हमारे भैया। इन्होंने कुछ लिख के दिया है कि जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा। अरे खामोशियों की मौत, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, मैं शीशा हूं टूट कर अपनी खनक छोड़ जाऊंगा। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद है भैया, 101 पत्र मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्यारे लाल भैया को, इतनी दूर से आप चल के आए, आप यही बहुत बड़ी बात है, स्वागत है भैया का, जोरदार तालियां होनी चाहिए भैया के लिए। अंतिम पंक्तियां सुनिएगा दादाजी, कहा मांगी है ऐसी मांग दादा समानी सरल जी गुरु जी भरत ने कहा कि मां मांगी है कैसी मांग हुई मांग ये सुनी इतने पर भी तू मैया करती बातें बातूनी करती बातें बातूनी। और ये अंतिम पंक्तियों में तालियां आपकी अपने आप बच जाएंगी, सुनिएगा तूफानी मेरी नैया का तूफानी मेरी नैया का वो पतवार कहाँ है मेरी मैया बता दे मेरा परिवार कहाँ है कहा है मेरा परिवार कहा है
जुबानी मेरी नैया का वो पतवार कहाँ है, मेरी मैया बता दो मेरा परिवार कहाँ है, 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 मेरा परिवार कहाँ सरकार की। और ये बहुमूल्य आशीर्वाद सम्मानी जनाब सम्मानी श्री नूर मोहम्मद दादाजी की तरफ से कीर्तन कला